जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भोपाल के वैरसिया में दो लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर 12 साल की बच्ची को अगवा कर ले गए। आरोपियों में एक योगा टीचर है, दोनों बच्ची के मोहल्ले में ही रहते हैं। आरोपियों ने बच्ची को करंट भी लगाया। हालत बिगड़ने के बाद बच्ची को बोरे में भरकर बंधक बनाकर रखा। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। 10 घंटे में बच्ची को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बताया कि उन पर कर्ज हो गया था, ऐसे में बच्ची को बेचकर कर्ज चुकाने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक शांति कुंज में रहने वाली 12 साल की बच्ची छठवीं की छात्रा है, उसके पिता टीचर हैं। बुधवार शाम करीब 6 बजे उसकी मां टेलर की दुकान गई थी। इसी बीच बच्ची भी मां के पीछे पीछे जाने लगी। इस दौरान घर के सामने खड़ा योगा टीचर नर्मदा प्रसाद जाटव ने बच्ची को अपने घर में खींच लिया। इसके बाद ग्रीन मैट में उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह को कपड़े से बांध दिया। इसके बाद आरोपी रिश्तेदार राजकुमार जाटव को बुला लिया। दोनों ने लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। लड़की के बेहोश होने के बाद उसे बोरे में भरकर बाइक से दोनों करीब 1 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल कॉलोनी स्थित रिश्तेदार के मकान पर लेकर पहुंचे। यहां बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसे करंट के झटके दिए। थोड़ी देर बाद दोनों ने कमरे के बाहर से ताला लगा दिया। शाम करीब 7 बजे जब बेटी नहीं आई तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। इसके बाद रात करीब 9 बजे पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे बच्ची को पुलिस ने राजकुमार जाटव के घर से बरामद कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने नर्मदा का मकान ढहा दिया, वह अतिक्रमण कर बनाया गया था। आरोपी लड़की के आने जाने पर 2-3 दिन से नजर रख रहा था। बुधवार को जैसे ही बच्ची अकेले जाते दिखी तभी आरोपी ने उसे अपने घर में खींच लिया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।